सब बड़ी ही खुशी के साथ उनका स्वागत के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। ये जो ड्रेसअप आप मुझे देख रही थी, ये मोदी जी का आशीर्वाद है जो उन्होंने वहाँ से भेजा था, तो उसी वेशभूषा में हम यहाँ आके उनके स्वागत के लिए खड़े हैं। वोटिंग तो बम्पर होगी, ये हमें पता है, कोई भी किसी घटना से रुकने वाला नहीं है, चाहे जितनी भी बड़ी घटना हो जाए, लोग वोटिंग तो बम्पर करेंगे। हम बहुत ही खुशी का दिन है हर एक इंसान के लिए, बड़े तो बड़े, छोटो बच्चे, बच्चे में भी उत्साह है। और रात को मैं आपको बता दूं, हमारे यहाँ मोहल्ले में बच्चे सोए नहीं हैं, मोदी जी आ रहे हैं, मिलने जाना है, बड़ी खुशी है, बड़े निडर हैं। पहले प्रधानमंत्री जी को कोई जानता भी नहीं था, आज हर कोई उनको जानता है। बच्चा बच्चा के नाम पे मोदी जी का नाम है और बच्चा बच्चा बहुत खुश है, हमारी तो खुशी का ठिकाना ही नहीं है। स्वागत है, स्वागत है हमारे देश के सर्वश्रेष्ठ प्रधानमंत्री, जिनका डंका ना सिर्फ देश में बल्कि विदेश में ही बजता है। ऐसे लोकप्रिय नेता हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी का इस चंद्रभागा क्षेत्र में स्वागत है। हमारा पूरा चंद्रभागा शहीदों की भूमि है, वीरों की भूमि है। ऐसे वीरों को श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पे खुद हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी पधारे हैं और हम सब लोग चंद्रभागा निवासी उनका स्वागत कर रहे हैं। चुनाव की उत्सुकता तो आप सब देख रहे हैं कि ये जो चुनाव है, काफी समय के बाद चुनाव हो रहा है, तो हम सब काफी प्रिपेयर थे इस चुनाव को लेके। तो आज मोदी जी जो आ रहे हैं, तो ये तो हमारे लिए एक बहुत बड़ा फीडबैक जो है हमें मिल रहा है इस वक्त, तो ये एक बहुत बड़ी अच्छी बात है कि पहली बार मोदी जी यहाँ आ रहे हैं और हम सब बड़ी ही खुशी के साथ उनका स्वागत के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। ये जो ड्रेसअप आप मुझे देख रही थी, ये मोदी जी का आशीर्वाद है जो उन्होंने वहाँ से भेजा था, तो उसी वेशभूषा में हम यहाँ आके उनके स्वागत के लिए खड़े हैं। जी, तो क्या कहेंगे, जिस तरह ये चुनाव हो रहे हैं, तो किस तरह के काम हुए हैं, क्या कहेंगे, बीजेपी किन मुद्दों को लेकर लड़ रही है?
जी देखिए, बीजेपी के जो मुद्दे हैं वो स्पष्ट हैं कि उनकी जितनी भी नीतियां हैं, उनकी जितनी भी स्कीम्स हैं, हर घर के साथ जुड़ी हुई हैं। चाहे आप महिलाओं संबंधी कोई भी स्कीम ले लीजिए, उज्ज्वला योजना ले लीजिए, या कोई गोल्डन कार्ड, स्वास्थ्य के प्रति कोई चीज ले लीजिए, इन सब चीजों के हमारे जो फंडे हैं वो क्लियर हैं। और हर लोग जो यहाँ पे है, कोई भी ऐसा नहीं होगा जिसके पास हमारी मोदी जी की भेजी हुई कोई स्कीम पहुँची नहीं है। जी हाँ, काफी दूर दराज का इलाका है डोडा जी, क्या कहेंगे? हाँ जी, देखिए दूर दराज का इलाका है डोडा, बहुत दूर से लोग आए हुए हैं, और मोदी जी इतने लोकप्रिय नेता हैं कि चाहे कोई कितने भी दूर से है वो जरूर इस वक्त आएगा, रैली में आएगा, ये तो सुनिश्चित है। हर कोई सुबह 5 बजे से घर से निकले हुए हैं लोग, सबको पता है कि सिटी बंद है, सिटी को क्लोज किया गया है, मगर फिर भी पैदल लोग यहाँ पे आ रहे हैं। जी तो जिस तरह कुछ महीनों में आतंकवाद थोड़ा बढ़ा है जी, तो क्या लगता है कि इसको भी कर लेंगे जो कंट्रोल में? जी जी, ऐसा कुछ नहीं है। देखो हमारा जो जम्मू कश्मीर है, यहाँ पे ये बहुत फैला हुआ इलाका है, ऐसी भी जगहें हैं जहाँ पे ये लोग कुछ छोटी मोटी घटनाएं कर रहे हैं, पर ये कुछ नहीं है, इलेक्शन को डिस्टर्ब करने के लिए किया गया था, बट ऐसा कुछ नहीं है। लोगों का जो उत्साह है वो स्पष्ट था कि हम इलेक्शन करवाना चाहते हैं, और ऐसी किसी भी घटना से लोग डरने वाले नहीं है, और स्पष्ट है कि हम इलेक्शन में उतरने वाले और इलेक्शन होगा ही। जी वोटिंग तो बंपर होगी, ये हमें पता है, कोई भी किसी घटना से रुकने वाला नहीं है, चाहे जितनी भी बड़ी घटना हो जाए, लोग वोटिंग तो बंपर करेंगे। हम चाहते हैं कि अब जो है वो इस हमारे MLA वगैरह जो भी हैं वो चुन के आ जाएं, ताकि हम लोगों की जो उम्मीदें और आशाएं हैं उनसे बनी रहें। जी जी, आज जिस तरह मोदी जी आ रहे हैं, बड़ी तादाद में लोग यहाँ पहुँचे, क्या कहेंगे? बहुत ही खुशी का दिन है हर एक इंसान के लिए, बड़े तो बड़े, छोटो बच्चे, बच्चे में भी उत्साह है। और रात को मैं आपको बता दूं, हमारे यहाँ मोहल्ले में बच्चे सोए नहीं हैं, मोदी जी आ रहे हैं, मिलने जाना है, बड़ी खुशी है, बड़े निडर हैं। पहले प्रधानमंत्री जी को कोई जानता भी नहीं था, आज हर कोई उनको जानता है, बच्चा बच्चा के नाम पे मोदी जी का नाम है, और बच्चा बच्चा बहुत खुश है, हमारी तो खुशी का ठिकाना ही नहीं है। आपका जो ग्रुप है जी, अलग से बीजेपी साड़ियां पहन के आए हैं, ये जी, क्या है? ये महिला मोर्चा है, महिला मोर्चा है, हम महिला मंडल से हैं, सारी लेडीज है, इसलिए हमने ये महिला मोर्चा की तरफ से ये बीजेपी की साड़ी पहनी हुई है, और हमें बहुत प्राउड फील हो रहा है, बहुत ज्यादा खुशी हो रही है हमें। भैया हम यही कहेंगे कि हमारी बीजेपी किसी हालत में भी जीतनी चाहिए, और हम बहुत से इनके लिए कोशिश कर रहे हैं। जैसे देखो हमारे मतलब कॉन्स्टिट्यूंसी के गाजा सिंह रैना जी हैं, हमने उनके साथ बहुत 3-4 दिन बहुत डट के मतलब मेहनत की, रैलियों में गए, और हमें यही खुशी है कि हमारी बीजेपी जीते और हम कहीं आगे बढ़े, ऐसा नेता हमें दोबारा ना मिलेगा ना कोई होगा। बहुत ज्यादा खुशी है भैया, जय श्री राम। आज मोदी जी आ रहे हैं, आप हम देख रहे हैं कि बहुत खुश है, आज मोदी जी आ रहे हैं, क्या कहेंगे? मैं कहना चाहती हूँ कि जय श्री राम, सबसे पहले सत्य सनातन धर्म की जय। आज डोडा में ये खुशी है कि साहब आ रहे हैं हमारे पास, यहाँ पे मोदी साहब आ रहे हैं मिलने के लिए, हर किसी को डोडा में खुशी, हर किसी को खुशी है यहाँ पे जम्मू कश्मीर में कि डॉक्टर साहब भी आ रहे, तो मोदी जी भी आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा। तो आज आप पहली बार उनको देखोगे, कितना आप उनको लाइक करते हो मोदी जी को? बहुत ज्यादा। क्यों, क्या क्या लगता है? अब हमें ठीक लगता है, मैं मिली हुई हूँ, उधमपुर में भी मिले हुए थे, पर उनको जल्दी थी, निकल गए थे, तो इस बार दूसरी बार मिलने जा रही हूँ। अच्छा, मिलना चाहते हैं उनसे? हाँ जी।